कर रहे हैं हम नेक्स्ट कियारा अडवाणी। ओके गाइस, अब हम कियारा अडवाणी को कर रहे हैं। ये कौन है? मुझे सही भी नहीं याद आई 1% के लिए कियारा अडवाणी कौन है। अरे कियारा अडवाणी है कौन? सही में फोटो ब्लॉग का टाइटल शी फॉरगॉट हु कियारा अडवाणी। अच्छा ये आपका नाम कियारा अडवाणी है, पर जब मैं आपका इंस्टा का यूजर नेम पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है आपने लिखा हुआ है कियारा ली अडवाणी। कियारा आली अडवाणी लिखा हुआ है। इनकी मम्मी का नाम आली है? नहीं, इनका नाम आली है तो सलमान खान ने कियारा बदल दी थी। एक आली बॉलीवुड में ऑलरेडी थी। ओ अगर किसी को नहीं पता, यशवी ने रिवील कर दिया कियारा ली अडवाणी। पूरी कॉन्वर्सेशन भेज दी गई। उनको पता लगना चाहिए लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं उनका नाम पढ़ के। उनका नाम सेंड हो गई। चुप रांझा हमने अपनी दीदी को डीएम भेजो, बोलो देख ले। ओ हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को अब हम ये भेजेंगे। सिद्धू मेनू तेरे नाल की गल करनी सी। तेरी वोटी नू मैं एक डीएम भेजिया है इंस्टा ते। मेनू लगता वो थोड़ी बिजी है तो वो नहीं दिखेगी, पर तू प्लीज जाके एक बारी बोल दे उन्हें कि डीएम भेज ले। इता मैं तेरे नाल परमानेंट सेटिंग कर। चुप माही चुप वे रांझा आ जा भूल दर दे आ जा तेरे घर जाना। सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी सेंड हो चुका। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे उम्मीद आ रही है कि वो तुझे भेजेंगे। रिप्लाई आ गया, सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिप्लाई आ गया। पता नहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा क्यों कह रहा है कि फेल टू सेंड। प्रीति जिंटा को लिख। प्रीति जिंटा को तो मैंने देखो ना प्रीति जिंटा को मैंने एक बार किया था डीएम कि आपका और मेरा बर्थडे सेम डे आता है, मेरे से बात कर लो। प्रीति तेरा मेरा बर्थडे सेम डे आता है 31 जनवरी, मेरा डिंपल भी पड़ता है, इसलिए अगर तूने मुझे नहीं रिप्लाई दिया ना तो तेरा 2024 खराब जाएगा। सॉरी, मुझे भी ये टेक्स्ट किसी ने भेजा था इसलिए मुझे आगे भेजना पड़ रहा है, मैं चाहती हूँ। और अगर आप चाहते हो आपका 2024 लक्की निकले तो आपको भी ये टेक्स्ट आगे 3 बंदों को भेजना पड़ेगा। हाँ, चाहे उनका बर्थडे 31 हो या ना, आपको उनको वॉइस नोट भेजना पड़ेगा। और हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मुझे भी बोल हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ये तो गाइस, हमने यशवी के ब्लू टिक का काफी गलत फायदा तो उठा लिया है। अब है मेरी बारी, हम करेंगे अब मेरे फोन से सेम लोगों को। नहीं पावर है। हाँ, डिफरेंट लोगों को। नो मनी नो हनी। डिफरेंट क्या था यार वो? पता नहीं, इंग्लिश नहीं आती, बंद कर दे। विश्वास मत करना गाइस। हाँ, क्योंकि आजकल ब्रांड्स यही करती हैं ना, इन्फ्लुएंसर से काम करा लेती हैं, पैसे नहीं देती, भाग जाती है। दोने किया है तेरे से? दोने किया है? यशवी चुप हो जा यार, उनको नहीं पता। सॉरी गाइस, सॉरी, जस्ट पर्सनल टॉक। हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, बट हम ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, दिल से हम ब्रांड्स को खुश करते हैं और वो हमें दुखी करके चली जाती है। सो यस, यशवी ने कंप्लीट कर लिए अपने पूरे 100 डीएम्स और हमें पूरी रात लग गई। नेक्स्ट डे उन्हीं कपड़ों में हम यही बैठे रहे, हम उठे नहीं है 24 आवर्स स्लीपिंग चल। अब है मेरी बारी और मेरे पास जैसे कि आपको पता ही है ब्लू टिक नहीं है गाइस, ब्लू टिक लेस माइक्रो इन्फ्लुएंसर, छोटी इन्फ्लुएंसर। सो किसको करें सबसे फर्स्ट? आप बताएंगे। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर से क्या ऑब्सेशन है? क्या भेजूं इसको? उड़ता पंजाब। बोल कि आपने साधारण लड़की से क्यों शादी कर ली? नहीं, हम शाहिद कपूर को यही भेजेंगे। और जय मौजा मौजा मौजा। सलमान खान को मैसेज, क्योंकि मुझे इनसे देखो ना पर्सनल रंजिश है। सलमान खान मुझे बिग बॉस में बुलाओ सलमान सर, प्लीज प्लीज। और सलमान सर आजकल बहुत एक्टिव है इंस्टाग्राम पे बिकॉज बिग बॉस की वजह से। स्टॉक कर रहे होते हैं क्योंकि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का डिवोर्स होने वाला है। वो घर से चली गई है। हाँ, उसने घर छोड़ दिया। सही, ऐसा ही बोल रही थी मैं तो, इसकी बात बोल रही हूँ। मत मान, उसने तो दिखाया है बैग लेकर आराध्या को, गई है आराध्या का स्कूल बैग, वो ट्रिप पे जा रही है, ऐसे बाय कर रही थी पुराने घर को। बाय पापा, उसका माथा दिख रहा था उसमें। सॉरी आराध्या, बाय पापा। पर उसका माता सबने उसके एनुअल फंक्शन पे देख लिया था। यशवी, नाउ यू कैन गिव मी
कोई भी नाम, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, गाना ढिमकाना अड़ंगा शड़ंगा, तू जो मेरे को बोलेगी मैं उसको टेक्स्ट कर दूंगी। साइमन ली, जो साइमन से पहला नाम आया ना उसको मैसेज दी। साइमन SYMON वाला, SIMON SI तो बोला, उसको लिख दे साइमन गो बैक। साइमन जैन आ गई है, साइमन जैन को लिख दे साइमन गो बैक। कोई रैंडम लड़की है, मैसेज साइमन गो बैक, गो साइमन बैक, नहीं गो साइमन बैक, गो साइमन बैक, गो साइमन गो बैक, साइमन बैक गो, सब ट्राई कर रहे साइमन की बैक आ जाओ, मैंने साइमन तेरे भाई की बैक बैक बोल। अरे कुछ ऐसे था ना, साइमन गो बैक गो, भाई मेरी बैग में क्यों जा रही है, साइमन गो बैक साइमन, साइमन गो बैक साइमन था, स्टूपिड गर्ल, नहीं वो ऐसे बोलते थे नारे पे, साइमन गो बैक साइमन, साइमन। और पता मैं इसको अनसेंड भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इंस्टा पे वो फीचर आ चुका है जिसमें आप अनसेंड नहीं कर पाते फर्स्ट मैसेज को। ओए इसको मेरा फ्रेंड भी फॉलो कर रहा है, अब तेरा साइमन साइमन होएगा। नहीं मैं तो नहीं डरती, क्या हो गया इसको कर दे, गाइस इट्स अ साइन, हमें उर्वशी रौतेला को टेक्स्ट करना चाहिए लेकर, ये नहीं देखते किसी के, कोई नहीं करते। क्या लिखूं, आप डिजर्व नहीं करती थी, तू स्टूपिड गर्ल है, आप डिजर्व नहीं करती थी मिस यूनिवर्स बनना, मिस यूनिवर्स बन के तूने कौन सा कुछ उखाड़ लिया, मिस यूनिवर्स बन के तूने कौन सा कुछ उखाड़ लिया रौतेली। उर्वशी जी को भी हम पिटेंगे, हमारे जैसे काम है ना गाइस, या मतलब फाइट तो हुई ना, हरियाणवी को भेज, क्या पता तेरे को गाने की वीडियो मिल जाए। किसको भेज, पता एक कोई हरियाणवी, मेरे को एक्टर पता नहीं है हरियाणवी, एक्टर तो है नहीं हरियाणवी, सिंगर है, सिंगर को भेज देगी। हम किसके सुनते हैं सबसे ज्यादा, वो उसका जो उनको पसंद है वो की जाट की सेटिंग, वो किसका गाना है नाम नहीं पता मुझे, चेक कर उससे, उसको भेज देते हैं, बोलते हैं की आपके गाने के कारण साहिल भैया शिल्पा दीदी के चक्कर में फंस गए। नरेंद्र चवाड़िया, नरेंद्र चवाड़िया को करते हैं भाई, इंस्टा पे ही नहीं है वो तो, देखो इतने बड़े दिग्गज इंस्टेंस जो मिले, अंकित को भेजते हैं, अंकित बयनपुरिया को, हाँ। और कहते हैं हमें 75 राम राम भजा रहे हैं, आज हमारा है 75 डे हार्ड और आज हम आपको डीएम भेज रहे हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, जैसे कोई फनी कुछ नहीं करेंगे यार, ये बंदा अच्छा लगता है मुझे। राम राम भाई सारे आने, मोटिवेट करने की बात हुई थी तो इसने माइक मेरे आगे रख दिया, स्क्रिप्ट इसको कुछ पता नहीं ना मुझे पता है, पर हमको आप वो तो पसंद हो, ऐसे ही बल्ले उठाते रहो तो बड़ा मजा ही आ गया। भैया हम आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप, और मैं भी 75 हार्ड डे चैलेंज करूंगी, थैंक यू। थप्पड़ मार देगा, थप्पड़ मार देगा, कितना फेक गल लगता है, अंकित भी गर्लफ्रेंड वाला तो उसकी तरफ से पहले आ गया फेल टू सेंड मैसेज, टू सेंड आ रहा है भाई सबकी तरफ से, मैं किसी को नहीं करना चाहती क्योंकि उन लोगों की तरफ से फेल टू सेंड आया जा रहा है तो ये इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब हम वेट करेंगे कि इनके रिप्लाईज हमें आते हैं या नहीं, और जो रिप्लाईज वगैरह होंगे वो सब आपको दिखेंगे यशवी के चैनल पे, मतलब मोटा कॉन्टेंट सारा ये लेगी अब, जहाँ पे कॉन्टेंट नहीं है क्योंकि रिप्लाई नहीं सेम है, सेम कॉन्टेंट है क्योंकि आएंगे ऑब्वियसली रिप्लाई, नरेंद्र मोदी की बेटी आए हम ऐसे कैसे मत सोचा कर, हाँ मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ कि मैं नरेंद्र की बेटी हूँ, क्या पता कर नरेंद्र की बेटी नरेंद्र चवाड़िया की बेटी है तू और कैसे मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज है गाइस, तो नरेंद्र मोदी मेरे घर आके मेरे साइन करवाएगा कि मैं देश की बेटी बनूंगी, मेरे देश की बेटी, नरेंद्र की बेटी, नरेंद्र की बेटी, गाइस ये कर दी रहेगी मैनिफेस्ट और आपको रिप्लाई सीखेंगे यशवी के चैनल पे, और हम मिलेंगे अब सीधा उसके चैनल पे रिप्लाईज के साथ, ये रिप्लाई आने की खुशी में, रिप्लाई आने की खुशी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, अब सीधा सोने जाएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।